सोना डे अपने डांस वीडियो और मुकुल के साथ कपल वीडियो के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कुछ दिन पहले वो अपने MMS को लेकर भी चर्चा में रही थीं। सोना को उनके कपल गोल वीडियो, उनकी क्यूटनेस और डांस के लिए बहुत पसंद किया जाता है। सोना के साथ मुकुल भी एक बेहतरीन डांसर हैं, इसीलिए दोनों ही इंटरनेट पर काफ़ी फेमस हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जब सोना के वायरल MMS की खबरें आईं, तो उन्हें नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस वायरल MMS की पूरी सच्चाई जानेंगे, सोना के पॉपुलर डांसर बनने की कहानी जानेंगे और जानेंगे इन दोनों की लव स्टोरी भी। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को साथ में और साथ मिलकर जौहर करें। दोस्तों, सोना का जन्म 20 अक्टूबर 1999 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक बंगाली फैमिली में हुआ। सोना ने अपनी स्कूली पढ़ाई बिलासपुर से ही पूरी की। स्कूल टाइम से ही सोना को डांस करने का बहुत शौक था। बात करें सोना की फैमिली की, तो उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स हैं और उनका एक छोटा भाई है। सोना के माँ पापा बचपन से ही सोना के लिए बहुत सपोर्टिव रहे। उन्होंने सोना को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी दे रखी थी। सोना बचपन से ही अच्छी डांसर थी, तो डांसिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने कम उम्र से ही ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने साउथ में कई ऑडिशन दिए और वहीं वो पहली बार मुकुल से मिली थीं। सोना ने साल 2018 से टिकटॉक पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया और टिकटॉक पर मुकुल सोना के वीडियो काफ़ी वायरल रहे। दोस्तों, बात करें मुकुल गायन की, तो उनकी उम्र 24 साल है। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक टाउन माना में हुआ। बचपन में मुकुल डांसर नितेश और जितेश दो भाई हैं, उनका डांस देखते और उन्हें फॉलो करते थे। 10 साल की उम्र में मुकुल ने तय कर लिया था कि उन्हें एक बड़ा डांसर बनना है, इसीलिए फिर मुकुल ने डांस की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। मुकुल ने ये भी सोच बना ली थी कि अगर मैं बड़ा डांसर ना भी बन पाया तो भी लाइफ टाइम डांस ही करूँगा। कुछ टाइम बाद मुकुल ने डांसिंग रियलिटी शोज के ऑडिशन देना शुरू कर दिया। पहले वो छत्तीसगढ़ में ही ऑडिशन देते रहे, जहां उन्हें कहीं सिलेक्ट नहीं किया गया। फिर वो साउथ में भी ऑडिशन देने लगे और वहां उनका एक शो में सिलेक्शन हो गया। हालांकि उस शो में वो ज़्यादा आगे न जा सके। इसके बाद उनका साउथ के ही दो रियलिटी शोज में सिलेक्शन हुआ। ये शो थे D10 और D4 डांस। इन दोनों शोज के वो फाइनलिस्ट रहे। इसके बाद मुकुल ने GTV के डांसिंग रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में हिस्सा लिया और वो शो के फर्स्ट रनर अप रहे। इसके बाद वो इंडियाज बेस्ट डांसर में नज़र आए, जहां उनके साथ सोना भी थी। यहां से इन लोगों को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मुकुल सोना की लव स्टोरी पर। साल 2018 में सोना एक रियलिटी शो का ऑडिशन देने विशाखापट्टनम गई हुई थी। जहां वो गई थी, वहां मुकुल एक पॉपुलर डांसर थे। जब वहां मुकुल ने डांस किया तो सोना को मुकुल बहुत अच्छे लगे। जब मुकुल जा रहे थे तो सोना भागकर उन्हें देखने गई। फिर अगली बार जब सोना मुकुल से मिली, तो उन्होंने डांस में हेल्प के लिए मुकुल से उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। यहाँ से वो दोनों बात करने लगे और मिलने भी लगे। कुल मिलाकर दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, इसीलिए जल्दी ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। साल 2020 में मुकुल डांसिंग रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर का हिस्सा बने, जहां वो अपने डांस से तो फेमस हुए ही, पर जब सोना इस शो में पहुंची, तब से उन्हें ऑडियंस और जजेस का और ज़्यादा प्यार मिला। मुकुल सोना की जोड़ी TV पर काफ़ी पॉपुलर हुई और नेशनल TV पर ही मुकुल ने सोना को प्रपोज कर दिया। इसका जवाब सोना ने यस में दिया। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, मेरी लाइफ पार्टनर बनके? यस। ये प्रपोजल वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ। वो दोनों कहते हैं कि वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं और कुछ साल बाद वो शादी भी कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सोना डे के वायरल MMS पर।
सितंबर 2022 में एक MMS वायरल हुआ जो सोना डे का बताया जा रहा था। कुछ यूट्यूबर्स और मीम पेज इसे सोना डे का बताकर शेयर कर रहे थे। ज्यादा शेयर हुआ तो सोना को कुछ लोग उल्टा सीधा बोलने लगे। पहले तो सोना ने ये सब इग्नोर किया, पर जब ये सब हद से ज्यादा बढ़ा तो उन्होंने सोचा चुप रहकर कोई फायदा नहीं है। फिर सोना ने अपने YouTube चैनल पर एक ब्लॉग के जरिए ये साबित किया कि वायरल वीडियो में वो नहीं हैं। उन्होंने दिखाया कि यही सेम वीडियो एक साल पहले हेलिना देम्ब्री नाम की एक नेपाली लड़की का भी बताया गया था। इसके अलावा सोना ने अपने टैटूज भी दिखाए और बोला वायरल वीडियो वाली लड़की के तो कोई टैटू नहीं है। इसके अलावा उन्होंने वायरल वीडियो में एक गैस सिलेंडर भी दिखाया जिस पर बांग्लादेशी निशान था। तो इस सब से ये साबित हो गया कि वायरल वीडियो में सोना डे नहीं है। ये वीडियो उनका बता के कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी कोशिश नाकाम रही क्योंकि सोना का उस MMS पर व्लॉग वीडियो बनाने से पहले ही सोना की सपोर्ट में बड़ी संख्या में उनके समर्थक और अन्य यूजर्स आ चुके थे। सोना को इतने अच्छे फैंस उनकी क्यूटनेस और डांस से मिले हैं, साथ ही उनके अच्छे नेचर से भी। चलिए दोस्तों, सोना के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। सोना की हाइट 5 फीट 3 इंच है और उनका बॉडी वेट लगभग 48 kg है। उनका फेवरेट प्लेस मालदीव्स है। फेवरेट फूड उनके पिज्ज़ा और बर्गर हैं। सोना के इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं और उनके यूट्यूब चैनल पर 3.6 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी डांसर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोना डे की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।